अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मईन है और आज से हम एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। ये नया सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट का है, यानी कि HTML5 का हम आगाज़ कर रहे हैं। और आज से हम सीखेंगे किस तरीके से HTML, पहले हम HTML के बेसिक्स को चेक करेंगे, फिर उसके बाद हमें जब बेसिक टैग्स पता चल जाएंगे फिर हम आगे HTML5 की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से हम चलते हैं नोट पैड पर, नोट पैड को ओपन करते हैं। Enter untitled dash notepad edit type and text. ये notepad open हो चुका है। सबसे पहले आपको browser को बताना होगा कि आप क्या लिख रहे हैं, यानी कि browser कैसे पहचानेगा कि आप HTML की file open कर रहे हैं। ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा, ये फाइल तो आपके कंप्यूटर में सेव हो चुकी होगी, तो कंप्यूटर इसको ब्राउज़र में कैसे एक्सेस करवाएगा, तो वो हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चंद टैग्स लिखेंगे हम। लेस HTML HTML ग्रेटर एंटर ठीक है, ये हमने लिख लिया लेस HTML ग्रेटर। ठीक है, इससे हमने बता दिया है अब ब्राउज़र को, कंप्यूटर को, कि भाई ये HTML की डॉक्यूमेंट हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको पता चल गया है। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, एक और टैग देंगे लेस हेड HEAD ग्रेटर एंटर। ठीक है, हमने ये हेड ओपन कर दिया है। अब ये हेड क्या है, ये हेड आपका इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा। और इस हेडर एरिया में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्क्रिप्ट्स भी डाल सकते हैं हम, CSS भी लिख सकते हैं हम, PHP के स्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस हेडर के एरिया में। ठीक है, और इसके बाद हम टाइटल ओपन करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे टाइटल लेस टाइटल ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टाइटल का टैग ओपन किया है, यहीं पे हमें टाइटल देना होगा, तो यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं माई एम वाई स्पेस फर्स्ट एफ आई आर एस टी स्पेस HTML HTML space file file. ठीक है, टाइटल का टैग क्लोज करेंगे less slash title title greater और एंटर कर देंगे enter. इसी तरीके से हमने अब हेड को क्लोज करना है, जो हेड को हमने ओपन किया क्योंकि यहाँ पे हम अभी इस टाइम कोई स्क्रिप्ट नहीं डाल रहे। less slash head head greater enter. ठीक है, ये भी हो गया, यानी कि हेडर के टैग को भी हमने बंद कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि बॉडी लिखनी है हमें, तो बॉडी एरिया शुरू हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे हम डालेंगे बॉडी का टैग ओपन करेंगे लेस बी ओ डी वाई ग्रेटर एंटर लेस बी ओ डी वाई ग्रेटर। ठीक है, मैंने इस टाइम यहाँ पे बॉडी ओपन कर दी है। अब सबसे पहले इन टैग्स को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि ये जो HTML सबसे पहले हमने लिखा है, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जब HTML ओपन किया है, टैग को ओपन किया है, यहाँ पे ये होता है HTML में कि आपने टैग को ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। बहुत कम ऐसे टैग्स हैं जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टैग्स ऐसे ही हैं जिसमें ओपन भी है और क्लोज भी है। ओपन होता है लेस के साथ, यानी कि लेस और टैग और ग्रेटर, और जो है क्लोज होगा वो लेस स्लैश टैग ग्रेटर। ठीक है, अब यानी कि हमने HTML अगर ओपन किया है सबसे पहले लेस HTML ग्रेटर, ठीक है, तो इसको हमने कहीं ना कहीं क्लोज भी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्लोज करना है। फिर उसके बाद हमने ओपन किया हेड को, लेस हेड ग्रेटर। ठीक है, हेड के अंदर हमने टाइटल देना होता है, टाइटल दिया लेस टाइटल ग्रेटर, वहीं पर हमने टाइटल डाला, और टाइटल डालने के बाद टाइटल को वहीं पर हमने क्लोज कर दिया लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हेड को क्लोज कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो हेड को हमने क्लोज करना है, तो हमने लेस स्लैश हेड ग्रेटर कर दिया। ठीक है, यानी कि वो क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी एरिया पे हम डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं कि अपनी बॉडी शुरू करना चाहते हैं पेज की, तो हमने ओपन किया बॉडी का टैग लेस बॉडी ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सारे टैग्स आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि HTML के टैग को हमने ओपन किया लेकिन क्लोज नहीं किया, इसी तरीके से हमने बॉडी के टैग को ओपन किया है तो क्लोज नहीं किया। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हमें क्लोज करना है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको ऐसे ही समझिए, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। Top of file, less HTML greater. Less HTML greater. Less head greater. ये head greater. Less title greater, my first HTML file, less slash title greater. Less title greater, my HTML file. ठीक है, फिर less slash title greater. Less slash head greater. Head close किया यहाँ पे. Less body greater. Body open कर दिया. Blank. ठीक है, ये हमने सारे लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा, टाइटल ये कौन सा टाइटल है, आपने देखा होगा जब आप टाइटल चेक करते हैं किसी वेबसाइट पे जाते हैं, इंसर्ट टी से आप टाइटल चेक करते हैं तो आपको वो टाइटल बताता है पेज का। ठीक है, ये वही टाइटल है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ से हमने बॉडी ओपन कर दिया, तो बॉडी एरिया में हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अब अगर हमें बॉडी में कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम यहाँ से पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे लेस पी पी ग्रेटर ग्रेटर। ठीक है, एंटर कर देंगे एंटर।
और यहाँ पे हम अपना पैराग्राफ लिख लेंगे, जो भी हमने अपना पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। लेट सपोज हमें यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सिंपल सा टेक्स्ट, A Q U I C A space B R O W N space O X J U M E S space O V E R space A E space enter. मैंने लिख दिया a quick brown fox jumps over the lazy dog, ठीक है, ये हमारे किस्म का पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ क्लोज करना है तो हम डालेंगे less slash slash p greater enter, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हेडिंग डालना पैराग्राफ के बाद, तो उसके लिए है H1, H2, H3, H4, H5, H6। छह किस्म की हेडिंग्स होती हैं HTML में, ठीक है। हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4, हेडिंग लेवल 5 और हेडिंग लेवल 6, ठीक है। अब ये छह लेवल्स क्या होते हैं, ये छह लेवल होते हैं कि हेडिंग लेवल 1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, ठीक है। हेडिंग में क्या होता है आपको पता ही है, वो सेंटर में आ रही होती है, राइट और लेफ्ट से मार्जिन छुटा हुआ होता है उसका, ठीक है, और बोल्ड में लिखी हुई होती है वो, ठीक है। तो ये हेडिंग लेवल 1 होती है और उसका साइज जो फॉन्ट साइज है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हेडिंग लेवल 1 सबसे बड़ी होती है, फिर उससे कम साइज की होगी, ठीक है, वो हेडिंग लेवल 2 होगी, उससे कम साइज की होगी हेडिंग लेवल 3, उससे कम हेडिंग लेवल 4, उससे कम हेडिंग लेवल 5 और सबसे छोटी हेडिंग लेवल 6। लेकिन ज़्यादातर हेडिंग लेवल 1, 2, 3 यही इस्तेमाल होती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि 4 या 5 या 6 इस्तेमाल हो, ठीक है, लेकिन होती ज़रूर हैं, ठीक है, ये भी नहीं है कि इस्तेमाल ही नहीं होती हैं, होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं हेडिंग का टैग less h1 greater, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं हेडिंग में, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू WELCOME, ठीक है, मैंने लिख दिया वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है, less स्लैश स्लैश H1 greater एंटर कर देंगे, enter less h1 greater welcome to my website less slash h1 greater blank, ठीक है। ये आपने देखा कि हेडिंग टैग हमने ओपन किया सबसे पहले less h1 greater, फिर उसके बाद हमने हेडिंग लिखी जो भी हमने अपना टेक्स्ट लिखना था हेडिंग का, फिर उसके बाद हमने लिख दिया less slash h1 greater, यानी कि हेडिंग लेवल 1 को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग के बाद अगर हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ ओपन करेंगे less p greater enter less p greater, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी पैराग्राफ TAIS space IS space MY space ATML space FIE period, ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज माय html फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा less slash slash p greater enter, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पैराग्राफ आ गया हेडिंग के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि पैराग्राफ किया है, हेडिंग किया है और ओपनिंग क्लोजिंग किया है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एक, हम और टैग को देख लेते हैं कि अगर हमें लाइन ब्रेक देनी है, ठीक है, तो वो किस तरीके से देंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ टैग ओपन करते हैं less p greater, ठीक है, less p greater हो गया और पैराग्राफ ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं enter TAIS space IS space FIRST space LINE, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करेंगे enter लिखेंगे less less slash slash br greater greater enter enter, ठीक है। less slash br क्या हुआ, ये है ब्रेक का, ठीक है, br से ब्रेक आपको याद रहेगा, less slash br greater, ठीक है। ये अकलौता टैग है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, एक ही टैग होता है less slash br greater। मैंने आपको कहा था कि कुछ टैग्स ऐसे होंगे जिनका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है, तो उसमें से ये एक टैग है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन लिख चुके, अब दूसरी लाइन लिखते हैं यहाँ पे TAIS space this IS space second space line line, ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मरतबा फिर लाइन ब्रेक देते हैं less slash slash br greater greater enter, ठीक है, ये लाइन ब्रेक दे दिया हमने एक और। अब यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज थर्ड लाइन THSSHTTAIS space IS space 3RD space LINE less slash br period this is third line, ठीक है, दिस इज थर्ड लाइन पे एंटर करते हैं blank enter और यहाँ पे लाइन ब्रेक देते हैं less slash br greater enter और एंटर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने मुख्तलिफ तीन लाइनें लिख दी हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने क्लोज करना है पैराग्राफ टैग को, ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज करते हैं less slash p greater enter
ठीक है, लेस स्लैश पी ग्रेडर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बंद करेंगे वो टैग्स जो हमने अभी तक ओपन छोड़े हुए हैं, यानी सबसे पहले हमने ओपन किया था लेस एचटीएमएल ग्रेटर, ठीक है, और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में जो टैग ओपन किया था वो लेस बॉडी ग्रेटर किया था। अब उसको बंद करने का वक्त आ गया है, ठीक है, क्योंकि जब आपकी फाइल एंड होती है, कंप्लीट हो जाता है आपका पेज, तभी आप उस टैग्स को ऑफ करते हैं, एचटीएमएल को और बॉडी को, ठीक है। ब्राउजर को और फाइल को पता चल जाता है, प्रोग्राम को पता चल जाता है कि जनाब अब ये फाइल कंप्लीट हो गई है एचटीएमएल में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं less slash body greater enter। सबसे पहले हमने बॉडी को क्लोज किया और उसके बाद हमने एचटीएमएल को क्लोज करना है less slash html greater enter, ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं पूरी फाइल को, अपनी स्टार्ट से जाके चेक करते हैं top of file less html greater, ठीक है, सबसे पहले less html greater, less head greater, less head greater, less title greater my first html file less slash title greater, less title greater, ठीक है, उसके बाद हमारा title, उसके बाद less slash title greater, less slash head greater, less slash head greater, head को open किया था, अब यहाँ पे close कर दिया, less body greater, less body greater, body open हो गई, land, less p greater, less p greater, a quick brown fox jumps over the lazy dog, ठीक है, a quick brown fox jumps over the lazy dog, ये paragraph आ गया, less slash p greater, ये paragraph end हो गया, less slash p greater, less h1 greater, welcome to my website, less slash h1 greater, ठीक है, ये आके हेडिंग हमारी लेस एच वन ग्रेटर हेडिंग, और उसके बाद लेस स्लैश एच वन ग्रेटर हेडिंग क्लोज हो गई, लेस पी ग्रेटर, फिर एक और हमने पैराग्राफ ओपन किया इसमें, दिस इज माई एच टी एम एल फाइल लेस स्लैश पी ग्रेटर, दिस इज माई एच टी एम एल फाइल लेस स्लैश पी ग्रेटर, यानी कि क्लोज किया पैराग्राफ को, लेस पी ग्रेटर, लेस पी ग्रेटर, एक और पैराग्राफ ओपन किया, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, लेस स्लैश बी आर ग्रेटर, लेस स्लैश बी आर ग्रेटर, ठीक है, लाइन ब्रेक दिया, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, लेस स्लैश बी आर ग्रेटर, लेस स्लैश बी आर ग्रेटर, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, लेस स्लैश बी आर ग्रेटर, और फिर उसके बाद लाइन ब्रेक, लेस स्लैश बी आर ग्रेटर, लेस स्लैश पी ग्रेटर, ठीक है, लेस स्लैश पी ग्रेटर, यानी कि हमने क्लोज कर दिया पैराग्राफ टैग को, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया, लेस स्लैश एचटीएमएल ग्रेटर, लेस स्लैश एचटीएमएल ग्रेटर, यहाँ पे हमने एचटीएमएल को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारी फाइल सिस्टम कंप्लीट हो गई, अभी आपको ये कोड्स में नजर आ रही है, ठीक है, कोड्स के साथ नजर आ रही है, लेकिन जब ब्राउजर में डिस्प्ले होगा तो कोड्स वगैरह कुछ नहीं होंगे। हम चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे सेव करवाते हैं कंट्रोल एस से, कंट्रोल एस, सेव एज़ डायलॉग, फाइल टी, ब्लैंक, ठीक है, फाइल नेम आपने जो डालना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है इंडेक्स आई एच एन डी ई एक्स डॉट पीरियड एच टी एम एल एच टी एम एल, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, डायलॉग आएगा सेव का, आपने उसको करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, उसको मिटा के बैकस्पेस से और डिलीट से कंफर्म करना है कि आपने सब मिटा दिया एक्सटेंशन, वरना फिर अगर डॉट टी एक्स टी की एक्सटेंशन रह गई, ये नोट पैड है, ठीक है, अगर डॉट टी एक्स टी की एक्सटेंशन रह गई तो फिर वो नोट पैड पर ही ओपन होगा, ठीक है, फिर वो ब्राउजर पर नहीं होगा, तो डॉट एच टी एम एल के होना लाजमी है। और ये इंडेक्स क्या है, बेसिकली वेब ब्राउजर्स पे क्या होता है, जब वेबसाइट पे आप अपलोड करते हैं अपना पेज, ठीक है, अपना एच टी एम एल का पेज, तो वहाँ पे बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक पेज नहीं होता, बहुत सारे आपको वेबसाइट्स के पेजेस बनाने होते हैं। जो index.html होता है वो रेकनाइज करता है होस्टिंग, ठीक है, वेब होस्टिंग रेकनाइज करती है index.html को एज अ होम पेज, ठीक है, और बाकी जितने भी होते हैं वो उसके लिंक्स हो सकते हैं, ठीक है, तो जितने भी पेजेस हैं, मिसाल के तौर पे आपने होम पे एक ही लिंक तो नहीं रखना, आपने तो वहाँ पे सैकड़ों लिंक्स बनाने हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक है आपका माई मूवीज़ के नाम का, ठीक है, माय मूवीज़ के नाम का एक है और एक माय म्यूज़िक के नाम का लिंक है, ठीक है, अब उसकी फाइल भी एचटीएमएल में बनेंगी, माय मूवीज़ माय म्यूज़िक दोनों डॉट एचटीएमएल के साथ बनेंगी, क्योंकि वो भी एचटीएमएल की फाइल होंगी, ठीक है, लेकिन वो होम पेज के लिंक्स होंगे, इंडेक्स नहीं होगा, यानी कि आपका होम पेज नहीं होगा। तो अब वेब होस्टिंग को कैसे पता चले कि भाई होम पेज कौन सा है, वहाँ पे तो सैकड़ों फाइल्स पड़ी हुई हैं एचटीएमएल की, तो वेब होस्टिंग को ऐसे ही पता चलेगा कि आपने अगर index.html किया होगा अपनी फाइल को, तो उस फाइल को वो ओपन करेगा जब भी आपकी कोई वेबसाइट डोमेन डालेगा ब्राउजर में, जब ओपन करेगा एंटर करेगा तो आपका पेज सामने आएगा, ठीक है, आपका ये वाला इंडेक्स वाला पेज सामने आएगा, और इंडेक्स वाले पेज में आपने जितने भी लिंक्स वगैरह जो भी बनाया होगा, जो भी आपने काम किया होगा, वो सारा शो हो रहा होगा, क्योंकि इंडेक्स को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। अभी इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया है .html के नाम से, ठीक है, index.html, अब इसको एंटर कर देते हैं, enter, save as dialog, confirm, save as dialog, index.html already exists, do you want to replace it? No button to... ये मुझे एरर दे रहा है कि index.html की एक और फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसको बोलता हूँ मैं नो कर दे भाई, yes button, no button, space, star untitled dash notepad, save as dialog, file name colon edit combo index top i, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ new index, new space, enter, edit, type in text, ठीक है, new index कर दिया, आप नहीं कीजिएगा, web hosting पे आपने खाली लिखना है
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ब्राउज़र में चेक कराऊंगा, ये खुल जाएगी ब्राउज़र में, ठीक है। लेकिन आप अपने पास वेबसाइट पे अपनी होस्टिंग पे नहीं कीजिएगा, सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही दीजिएगा, ठीक है। अब जाते हैं हम इस फाइल को चेक करते हैं। सर्च बॉक्स एडिट हाइफन टेक्स्ट टी दिस पीसी एंटर दिस पीसी डी डेस्कटॉप डी डॉक्यूमेंट्स एंटर दिस पीसी आइटम्स व्यू, ये डॉक्यूमेंट्स में आ गए। अब यहाँ पे मैंने नाम दिया था न्यू HTML and new folder and names of Surat and Nadarferi and new and new words and new index.html, ठीक है, ये रहा new index.html की फाइल, ठीक है। अब इस पे हम एंटर करते हैं, एंटर my first html फाइल, ठीक है। ये आ गया टाइटल, मैंने आपको बताया था, ठीक है, टाइटल आपका इंसर्ट टी करेंगे, टाइटल इज my first html फाइल - google chrome, ठीक है। अब यहां से हम डाउन एरो करेंगे, a quick brown fox jumps over the lazy dog, ये आपका पैराग्राफ आ गया, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई कोड वगैरह नहीं है। हेडिंग लेवल 1 वेलकम टू माय वेबसाइट, हेडिंग लेवल 1 वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। आपने देखा ये हेडिंग हमने डाली थी, यहाँ पे कोई कोड वगैरह शो नहीं हो रहा। दिस इज माय एचटीएमएल फाइल, दिस इज माय एचटीएमएल फाइल, ठीक है, ये एक पैराग्राफ था, ठीक है। नीचे आते हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, ये हमने लाइन ब्रेक दे दे के लिखा था जो, ठीक है। This is second line. This is third line. This is third line. This is third line. ठीक है, यहाँ पे पेज एंड हो गया. This is third line. ठीक है, बार बार वही पढ़ रहा है, यानी कि और कुछ भी नहीं है इस पेज में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपकी फाइल index.html जो आपने बनाई है वो कोड्स के साथ बनाई थी, HTML के कोड्स के साथ बनाई थी, लेकिन यहाँ पे आपको ब्राउजर में शो हो रही है कैसे, प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। इसके फॉन्ट्स हम चेक करते हैं, My quick round fox. Font is Times New Roman 12 point. फॉन्ट टाइम न्यू रोमन आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमने इस टाइम कोई फॉन्ट की यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह नहीं की है, जो सिंपल नोटपैड की होती है वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और 12 पॉइंट बता रहा है, यानी कि 12 उसका साइज है। हेडिंग लेवल 1 वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है, हेडिंग लेवल 1 वेलकम टू माय वेबसाइट, इसका फॉन्ट चेक करते हैं। फॉन्ट इज बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन 24 पॉइंट हेडिंग लेवल 1, ठीक है। इसने बताया आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी कि फॉन्ट है बोल्ड है और 24 साइज है उसका, ठीक है, और हेडिंग स्टाइल है, ठीक है। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी उसने आपकी हेडिंग के बारे में, इस तरह से आपको पता चल गया कि ये हेडिंग है। दिस इज माय एचटीएमएल फाइल, दिस इज माय एचटीएमएल फाइल, इसका फॉन्ट चेक करते हैं। फॉन्ट इज टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट, ठीक है, फॉन्ट्स न्यू रोमन 12 पॉइंट, वही नॉर्मल जो पैराग्राफ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग का भी पता चल गया कि साइज क्या होता है, और फिर फर्स्ट यानी कि हेडिंग लेवल 1 का क्या साइज होता है। इसमें हम आगे अब बहुत मजीद चीजें सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हम ये सारी फॉर्मेटिंग भी करेंगे, कलर्स भी लाएंगे, लिंक्स भी बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।